हाय फ्रेंड्स, इंटीरियर आयसिस बाय निहारा में आप सबका स्वागत है। और जैसे मैंने इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो जब हमने शूट किया था तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इस सीरीज में हम सारे घर के जो हिस्से होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं, सारे रूम्स का प्लानिंग करते वक्त इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स का प्लानिंग किस तरीके से करना चाहिए उसके ऊपर ये सीरीज है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बेडरूम्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ये सीरीज के सारे वीडियोज हैं, उनकी नई प्लेलिस्ट बनाई है, सो मेक श्योर आप वो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किचन के इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के प्लानिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। ये जो प्लान है ये खारगर में जो साइट है 1 BHK उसके किचन का प्लान है और इसका इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की प्लेसमेंट और पूरा प्लानिंग हम देखेंगे। नाउ इनिशियल जो भी प्लानिंग था और जिस तरीके से उसमें चेंजेस किए थे, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं और एक 1 BHK एट खारगर ये एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। एक बार बेसिक प्लेसमेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन वील गेट इन टू द डिटेल्स। तो आप फ्रेश व्यूअर है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको समझ जाएगा कि किस तरीके से प्लानिंग हुआ है। सो ये जो है इसमें डार्क लाइंस या ये जो डार्क पोर्शन है ये वॉल्स हैं। हम ये किचन का प्लान देख रहे हैं और पैरेलल काउंटर्स हैं यहाँ पर। तो ये एक वॉल है, ये दूसरी वॉल है। इसमें ये जो साइड है ये फ्लैट की इंटरनल साइड है, यहाँ पर लिविंग रूम है। सो लिविंग रूम से इस किचन की एंट्री है और ये जो आप देख रहे हैं ये आउटर एरिया है। सो ये यहाँ पे विंडो है। सो बेसिकली ये एक्सटर्नल विंडो है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया, पैरेलल काउंटर्स है। सो एक ये काउंटर है और एक ये काउंटर है। तो ये जो काउंटर है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये हॉब है, ये सिंक है और सो ये मेन काउंटर है, इसे हम मेन काउंटर कहेंगे। और ये जो है पीछे का ये बैक काउंटर। सो मेन काउंटर जो है इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये कुकिंग वाला एरिया है, हॉब आ गया, ये सिंक आ गया, इसके ऊपर चिमनी है। और हॉब की जो प्लेसमेंट है ये इनिशियल प्लेसमेंट है, इसमें अभी चेंज हो गया है। अभी एक्चुअल में जिस तरीके से हमने हॉब प्लेस किया है, थोड़ा सा इट इज स्लाइटली ऑन दिस साइड, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली पीछे ये जो पोर्शन है तो यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग कॉलम है, तो कॉलम की वजह से एक इस तरीके का प्रोजेक्शन काउंटर में आ गया था। एंड ऑल्सो काउंटर का जो स्टोन है उसकी मैक्सिमम लेंथ के बाद यहाँ पे एक जॉइंट था। सो वी डिसाइडेड दैट यू नो मिक्सर के लिए यहाँ पे एक जगह बनाएंगे तो यूज़ करना काफ़ी कन्वीनियंट होगा। तो ऑल दैट कैन बी सीन इन द प्लानिंग वीडियो। अप्लायंसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर कुकटॉप यूज़ करेंगे, चिमनी यूज़ करेंगे, सिंक के एग्जैक्टली ऊपर वाटर प्यूरीफायर की अरेंजमेंट की हुई है, तो वो है उसका पॉइंट। आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो दैट इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पर मिक्सर यूज़ करने के लिए पॉइंट लगेगा। सो ये फ्रंट काउंटर हो गया, ये जो है ये पीछे का काउंटर है। ये एंड वाला जो निश आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रिज की प्लेसमेंट की है। सो फ्रिज का पॉइंट, उसकी प्रोविजन यहाँ पे आएगी। इस पे ये जो एक लाइन है, सो ये पीछे वाला काउंटर जैसे आप देख सकते हैं ये 2 लेवल्स में है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है उसके नीचे वॉशिंग मशीन एकोमोडेट किया है, वो जो फ्रंट लोड वाला वॉशिंग मशीन। और इसके लिए हाइट इसकी काउंटर की यहाँ पर बढ़ गई है और उसके ऊपर ही माइक्रोवेव की अरेंजमेंट है। और उसके बाद ये जो है ये नॉर्मल काउंटर हमारा जो होता है 2 फुट 8 2 फुट 8.5, जिस तरीके से आप डिसाइड करते हैं उस हाइट पर है। और एंड वाला जो पोर्शन है ये क्रॉकरी यूनिट है। नाउ दिस क्रॉकरी यूनिट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि यहाँ पर डाइनिंग टेबल है। और यहाँ पर ये जो पोर्शन है यहाँ पर मंदिर के लिए जगह आइडेंटिफाई की है, जिसके लिए अगेन लाइटिंग वगैरह वो सब हम देखेंगे। और ऊपर में ऊपर ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, सो यहाँ पर एक लॉफ्ट है। नाउ लेट्स सी अनदर लेआउट। तो इसमें आप देख सकते हैं सेम है, पर इसमें लाइट्स और फैन आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लाइट है और स्विच बोर्ड्स इसमें मार्क किए हुए हैं। तो जैसे मैंने कहा सीलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर एक स्टेप है और इसकी जो हाइट है वो डिफरेंट है। ये वाला सीलिंग आपका ऊपर स्टैंडर्ड हाइट पे है और ये थोड़ा नीचे है। तो इसके लिए ये जो बचा हुआ पोर्शन है उसके हिसाब से हमने अलाइन करके 2 12 वॉट के लाइट पैनल्स दिए और एक फ़ैन दिया है। नाउ ये कितने वॉट का लाइट लगाना है और कितने डिस्टेंस पे लगाना है, या 2 लगाने या 3 लगाने हैं, द टोटली डिपेंड्स अपॉन आपकी किचन की साइज़ कितनी बड़ी है, क्या रिक्वायरमेंट है। और अगर स्विच बोर्ड की बात करेंगे तो लेट्स स्टार्ट विद SB1। नाउ यहाँ पर ये जो यूनिट है, वी लैड अ क्लिप हियर, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लिविंग रूम से एंट्री है। और कोई भी स्विच बोर्ड के लिए जगह आइडेंटिफाई करने का फर्स्ट थंब रूल ये होता है, किसी भी रूम में फर्स्ट स्विच बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि आप एंटर करते ही आपके हाथ के रीच में होना चाहिए। सो अगर ये रूम की एंट्री है तो इतने रीच में, इतने पोर्शन में स्विच बोर्ड होना चाहिए, सो दैट आपको अंधेरे में रूम में चलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सो दैट्स
वन बेसिक थंब रूल, और जितना चाहिए आपको ये ट्राई करना चाहिए इस तरीके से आइडेंटिफाई करने का। तो इसके लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वॉल है और किचन के अंदर ये साइड में तो ये यूनिट आ गया और ये साइड में क्रॉकरी यूनिट है, तो अगर हम इसके पीछे वॉल पे पहला स्विच बोर्ड दे रहे थे वो एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल होता था, अंदर आके एक्सेस करना पड़ता था। तो इसके लिए हमने सोचा ये जो एक यूनिट कार्पेंट्री में हम बना रहे हैं इसी के फेशिया में, इसका जो फेस है उस पर अगर हम स्विच बोर्ड देंगे तो अंदर आते ही काफ़ी आसानी से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो यूनिट है ये दो हिस्सों में बना है और नीचे वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से खुलता है, तो ये उसका ब्लॉक्ड पोर्शन है, ये साइड से आप कुछ भी एक्सेस नहीं करने वाले, ये एक डेड फेस है। तो ये इसका SB1 है। पीछे के काउंटर पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कहा एक मंदिर की प्लेसमेंट है और मंदिर का जो लाइट है और पॉइंट्स है उसके लिए एक स्विच बोर्ड यहाँ पर है। सो ये SB2 आ गया। और SB3 पे बाकी अप्लायंसेस के लिए कहीं आपको ब्लेंडर यूज़ करना है, कोई भी दूसरे अप्लायंसेस हो सकते हैं जो अभी प्रोबेबली आपके पास नहीं है पर इन फ्यूचर में आपको उसकी ज़रूरत हो सकती है। SB4 और SB5 ये दो है। तो एक स्विच बोर्ड है वो काउंटर के ऊपर है जहाँ पर फ्रिज और माइक्रोवेव का पॉइंट है, और दूसरा जो स्विच बोर्ड है ये काउंटर के नीचे है। जैसे मैंने कहा नीचे एक फ्रंट ओपन वाला वॉशिंग मशीन है उसके लिए वो प्रोविजन की हुई है, उसके लिए पानी का इनलेट और आउटलेट उसकी भी प्रोविजन हमने की है। तो विल टॉक अबाउट ऑल दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट डे आउट। सिंक है यहाँ पर, ये जो स्विच बोर्ड है ये एक्चुअली जो वाटर प्यूरीफायर का कनेक्शन लगता है उसका स्विच बोर्ड है। उसके बाद ये जो लास्ट स्विच बोर्ड है यहाँ पर, एक तो आपका जो आपकी जो चिमनी है उसके लिए आपको कनेक्शन लगता है, उसके बाद कई बार यहाँ पे तो कुकटॉप है पर हॉब के लिए, और आपको कई बार एक लाइट का पॉइंट, एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन उसको देना पड़ता है। सो आपका जो भी कुकटॉप या हॉब यूज़ करने वाले तो उसका एक बार जो भी रिक्वायरमेंट है वो चेक कर लीजिए, अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट नेसेसरी है तो इसके लिए आपको काउंटर के नीचे एक इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड, एक स्विच बोर्ड देना पड़ेगा। सो दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू चेक विद द मॉडल एंड द प्रोवाइडर, तो वो एक चीज़ है। और इसमें कौन से स्विच बोर्ड के ऊपर पॉइंट्स और कौन से जो फिटिंग्स है उसका कनेक्शन देना है तो वो एक बार बात कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एलिवेशन। और सो ये जो है ये फ्रंट एलिवेशन है, और मतलब ये जो फ्रंट काउंटर है उसको अगर आप सामने से देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। ये आपकी लिविंग रूम है और आई जस्ट राइट LR, और यहाँ से किचन की एंट्री है। ये आपकी एक्सटर्नल वॉल है, ये विंडो है, और ये आपका सीलिंग दिख रहा है, ये आपका फ्लोर दिख रहा है। ये जो है ये लॉफ्ट है, जैसे मैंने कहा कि वो जो डॉटेड लाइन है यहाँ पर वो सीलिंग में लॉफ्ट है। तो ये लॉफ्ट आ गया जिसको सामने से एक शटर देकर बंद किया। और जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि सीलिंग जो है दो लेवल में है, वह सिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं और चिमनी, और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया इसको हमने थोड़ा सा शिफ्ट किया है। तो एक पहला स्विच बोर्ड जैसे मैंने कहा अंदर आते ही ना, इसकी जो हाइट है, स्विच बोर्ड की हाइट भी किस तरीके से डिसाइड करनी है, तो एक सिंपल चीज़ ये है कि आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि स्विच बोर्ड कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी एक्टिविटी करने के लिए वो यूज़ होने वाला है। तो अगर आप रूम में चल के आएंगे तभी आपको एक्सेस करना है तो इट कांट बी एट दिस हाइट, मतलब वो डेढ़ या दो फुट की हाइट पे नहीं हो सकता, वो इस हाइट पे होना चाहिए कि आप खड़े होके उसको कन्वीनियंटली ऑपरेट कर सके। 4.5 फुट जो भी आप एक टोटल पूरे घर में फॉलो करें तो वो एक स्टैंडिंग हाइट से हर कोई ऑपरेट कर सके, उस हिसाब से एक स्विच बोर्ड का हाइट ये होता है, एक ये हाइट हो गई। उसके बाद ये साइड के सारे स्विच बोर्ड देख लेते हैं। तो सेकेंड इज चिमनी के यहाँ पे जो स्विच बोर्ड है, तो वो चिमनी का कनेक्शन इसको लगता है तो इट हैज़ टू बी क्लोजर टू द चिमनी। जैसे इनिशियली वी स्पोक अबाउट हॉब, तो हॉब को अगर कोई स्विच बोर्ड की ज़रूरत है तो वो स्विच बोर्ड आपका नीचे आएगा, बट दिस इज़ ऑन द वॉल, मतलब यहाँ पर ये शटर के ऊपर आपको दिख रहा है बट ये एक्चुअली दीवार पे आएगा और काउंटर के नीचे आएगा। तो ये यू हैव टू चेक, इन दिस केस वो ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए हमने इसका पॉइंट नहीं दिया है। उसके बाद ये जो स्विच बोर्ड है, जब भी आपको वाटर प्यूरीफायर सामने से नहीं दिखता, ये दरवाजे के पीछे है, तो फ्रंट से हम उसको बंद कर लेते हैं पर नीचे से ये खुला रहता है। तो नीचे से ओपन होता है तो पानी का कनेक्शन काफ़ी आसानी से हो सकता है। और इसका जो स्विच बोर्ड है इस कबर्ड के अंदर आता है, मतलब ये जो पीछे वाली दीवार है इस दीवार पर, इस हाइट पर स्विच बोर्ड है। तो स्विच बोर्ड वन पे ये दोनों जो पैनल लाइट्स है उसका कनेक्शन है, इस फैन का कनेक्शन है। उसके बाद ये जो सॉकेट है उसका स्विच, मतलब उसका बटन इस स्विच बोर्ड में है। ये जो एक्वागार्ड का पॉइंट है उसका बटन भी यहाँ पर है। तो ये यहाँ पे हो गया। अगेन वन मोर थिंग, इसमें इसके नीचे लाइट की प्रोविजन की हुई है, तो काउंटर को इल्यूमिनेट करने के लिए जो लाइट होते हैं तो उसकी, उसका पॉइंट भी यहाँ पर है, उसका बटन जो है वो भी यहाँ पर है।
और ये जो दो लाइट्स हैं या यहाँ पे जो मैंने लाइट दिखा है, ये स्पॉट भी हो सकता है, ये कंटिन्यूस एलईडी वाली स्ट्रिप भी हो सकती है। चिमनी में यूजुअली एक इनबिल्ट लाइट होता है, तो उसके लिए चिमनी वाला पोर्शन छोड़ के जो कैबिनेट वाला पोर्शन है उसके नीचे आप लाइट दे सकते हैं। अगेन लाइट का फिटिंग आपकी चॉइस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। जनरली दो लाइट्स हैं तो भी एक पॉइंट पे देंगे तो बेटर होता है, क्योंकि वो एक ही साथ यूज़ होता है। और ये इसको हम टास्क लाइट कहते हैं, तो इसका लाइट एग्जैक्टली आपका काउंटर जो है उसके ऊपर इसका लाइट आता है। और अगर आपको कुछ काम करना है जिसके लिए जनरल लाइट मतलब ऊपर की लाइट की ज़रूरत नहीं है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर एलिवेशन, लेट्स टॉक अबाउट द बैक काउंटर। तो जैसे फ्रंट काउंटर हमने देखा वैसे ही है, पर अभी हम पीछे की साइड देख रहे हैं, तो ये पीछे वाला काउंटर है। यहाँ पर खड़े होकर आप देखेंगे तो आपके राइट साइड में ये जो है ये एक्सटर्नल विंडो है, ये जो है ये लिविंग रूम है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ से एंट्री है। सो लिविंग रूम से एंट्री, एंटर करते वक्त ऊपर लॉफ्ट है जिसको शटर्स लगाए हैं, सीलिंग में डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो फैन और जो पैनल लाइट्स है वो इस लेवल पे आ गए और ये लॉफ्ट की लेवल है। अगर आपको कोई सरफेस फिटिंग वगैरह लगाना है लाइट का तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। लाइट जनरल लाइटिंग अगर आपको लगता है इनसफिशिएंट है तो यू कैन ऐड लाइट्स हियर आल्सो। और ये जो पीछे का काउंटर इतना है, जैसे मैंने कहा इतना, और इसमें एक लेवल है। सो ये इस तरीके से पीछे का काउंटर है और ये वर्टिकल, ये फ्रिज की जगह जो इनिशियली हमने प्लान में यहाँ पर एक जो खाँचा था वो है। ये नीचे का जो है फ्रंट ओपन वाला वॉशिंग मशीन, ऊपर माइक्रोवेव है, ये मंदिर की जगह, और ये जो क्रॉकर यूनिट जो यहाँ से एक्सेसिबल है, और ऊपर ये आप जो डेड स्टोरेज वाले शटर्स हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्विच बोर्ड्स है SB2 में मंदिर और क्रॉकरी यूनिट के जो पॉइंट्स हैं उसके स्विचेस बटन्स यहाँ पर है। ऑल्सो क्रॉकरी का ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये चक्की के लिए है। सो फ्लावर मिल वगैरह आपको रखनी है तो आप इस तरीके से प्रोविजन कर सकते हैं। और इसमें भी हमने नीचे चक्की है और उसका जो सॉकेट है वो नीचे दिया है, सो वो कनेक्शन वहाँ पर आप करके रख सकते हैं। और उसका जो स्विच है, जो बटन है, वो इस पे दिया है। फ्रिज का भी सॉकेट यहाँ पर है पर उसका स्विच मतलब बटन जो है वो डिफरेंट है। तो SB3 पर इन दोनों का स्विच है, दोनों का बटन है, तो आपको ऑन ऑफ कुछ भी करना है तो इसके पीछे हाथ डाल के झुक के वो एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी कन्वीनियंटली आप कर सकते हैं। अगेन फॉर द वॉशिंग मशीन, इसका जो सॉकेट है आप नीचे देख सकते हैं, जो सॉकेट है वो नीचे है और उसका जो स्विच है बटन है वो ऊपर है। तो ये इस तरीके से डिवाइड किया है। एंड इनफैक्ट ये जो वायरिंग वाला जो भी काम है, इलेक्ट्रिकल वाला काम है, हमेशा हम बाकी इंटीरियर में भी कहते हैं कि अगर आपको लगता है आप फ्यूचर में AC लगाने वाले हो तो बेटर उसका प्रोविजन आप ऑलरेडी करके रखो। अगर बाद में TV लगाने वाले तो प्रोविजन ऑलरेडी करके रखो। सिमिलरली किचन में भी आपको जितने पॉइंट्स चाहिए ऑलरेडी करके रखिए। एक बार आपका सिविल वर्क काउंटर सब कुछ होने के बाद आपको कुछ चाहिए तो वो एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो केसिंग पट्टी वगैरह वो सब पूरा आपके पिक्चर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा 3 पिन के लिए प्रोविजन करके रखी है। इसमें आप बेसिक एक कॉमन सेंस यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आपको कैसे चाहिए। यस, आई थिंक हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई डाउट आप पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।